नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका झाजी किचन्स में। दोस्तों आज जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए, ये देख सकते हैं आप, ये है सफ़ेद मटर के चाट। जी हाँ दोस्तों, जब घर में कुछ भी ना समझ में आए कि आज क्या बनाना है, तेल मसाले खा के आप बोर हो चुके हों, तो झटपट से आप सफ़ेद मटर बनाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और फटाफट बन जाता है। कोई आपको तामझाम इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे, बस आपने मटर को 3-4 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देना है और फटाफट बना देना है। बड़े बच्चे सभी खुश हो जाते हैं और स्वाद भी बिल्कुल अलग सा आ जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मटर को मैंने यहाँ पहले से ही फुला लिया है और अब मैं इसको कुकर में शिफ्ट करके उबाल लेती हूँ। उबालने के लिए यहाँ मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी आप इसमें मटर से दुगना या तिगुना भी ले सकते हैं। यहीं पर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और यहाँ पर हम 5 से 6 काली मिर्च के दाने भी इसमें डाल देते हैं। इससे बड़ा अच्छा स्वाद आता है मटर के चाट में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये देखिए हमारे मटर उबल चुके हैं और इसको मैंने थोड़ा सा गीला ही रखा है क्योंकि ठंडा होने पे ये थिक होने लगता है। इसमें जो हम अब ऊपर से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ये सारे देख लीजिए। इमली का पानी है, कटी हुई हरी मिर्च है, कटा हुआ प्याज है, बारीक कटा हुआ धनिया है और कटे हुए टमाटर हैं। सभी को आपको बारीक काटना है। ये हमने यहाँ पर इसमें चाट मसाला मिला दिया है और अब हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही झटपट बनने वाला और बहुत ही टेस्टी बनने वाला ये मटर के चाट हैं और सभी बहुत पसंद करते हैं इसको, बड़े चाव से खाते हैं और सेहत से भरपूर होता है क्योंकि इसमें हमारे तेल मसाले लगते नहीं हैं, तो बिल्कुल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी झटपट बनाएं। यहाँ देखिए मैंने इमली का पानी ऐड कर दिया है इसमें। आप स्वाद के अनुसार इमली का पानी ऐड करें। आपको जितना खट्टा खाना होता है उस हिसाब से कम या ज़्यादा आप इमली का पानी इसमें डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यहाँ मैंने कटा हुआ प्याज मिला दिया है और एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला देंगे। ये हमने टमाटर मिला दिए, ये कटी हुई धनिया मिला दी है हमने। अब सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है ना, और इसकी थिकनेस कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप कि ये धीरे धीरे थिक होती जा रही है। ये नींबू निचोड़ दिया है हमने इसमें। नींबू से इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा कलर आया है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हमने कटी हुई मिर्च भी मिला ली है दोस्तों और ये हमारे मटर के सफ़ेद मटर के चाट तैयार है। और हम अब इसको कुलचों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, फुलकों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसको खाली भी आप खा सकते हो चाट की तरह, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, ये हमारे सफ़ेद मटर का चाट बनकर हो गया है एकदम तैयार। तो हम तो जा रहे हैं अब इसका जायका लेने के लिए और आप भी फटाफट ये सफ़ेद मटर का चाट बनाइए और इसका पूरा पूरा जायका लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और झटपट बनाइए, फटाफट खाइए वाला रेसिपी बनती है ये। ये दोस्तों लेते हैं हम इसका जायका और आप भी जल्दी से बनाइए और लीजिए इसका जायका। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय।